सो हेलो एवरीवन। सो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज हम लोग एक न्यू चैप्टर लिए हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आरडी शर्मा बुक के क्लास 11 का, ठीक है? तो देखो इस चैप्टर में अबाउट 24 और 25 क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर सॉल्यूशन बताऊंगी और एक वीडियो आ जाएगा सेकंड पार्ट इसका, जिसमें बाकी सारे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? सो माई सेल्फ सीमा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इफ इन एन इनफाइनाइट जीपी द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 10 टाइम्स द सम ऑफ ऑल सक्सेसिव टर्म, देन इट्स कॉमन रेशियो इज, एंड दीज आर द ऑप्शन। तो देखो सिंपली इसमें क्या बोला गया, कॉमन रेशियो फाइंड करना है, डेट इज आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और यू कैन से जीपी एक बार समझ लेते हैं, आखिर जीपी किसको बोलते हैं, ठीक है? तो देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जैसे देखे थे एक सीक्वेंस था, ठीक है? सो उसमें क्या कर रहे थे, जितने भी टर्म्स थे दो टर्म का अगर डिफरेंस निकाल रहे थे, कोई भी दो टर्म का, तो हर बार देख रहे थे क्या डिफरेंस सेम आ रहा था, मीन्स डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट। वैसे सीक्वेंस को क्या बोलते थे, दैट इट इज एन एपी और यू कैन से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके? अब देखो जीपी इट मीन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें क्या रहता है, वैसे सीक्वेंस को हम लोग जीपी बोलते हैं जिसमें रेशियो फाइंड करते हैं। कोई भी दो टर्म का रेशियो फाइंड करेंगे तो हर बार देखेंगे कि रेशियो सेम आएगा, रेशियो इज कॉन्स्टेंट। तो वैसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, जीपी और यू कैन से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके? सो इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर देखो सिंपली क्या बोला गया, एक इनफाइनाइट जीपी लिया गया है, इनफाइनाइट सीक्वेंस लिया गया है, ठीक है? तो लेट अस कंसिडर ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ओके? तो जैसे कि जीपी में ऑलवेज हम लोग सीक्वेंस ऐसे कंसिडर करते हैं, ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ठीक है? जिसमें कि आपको रेशियो जब भी फाइंड करोगे तो रेशियो इज कॉन्स्टेंट, रेशियो क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है? अप टू इन्फिनिटी। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 10 टाइम्स द सम ऑफ ऑल सक्सेसिव टर्म। फर्स्ट टर्म आपको देखो इसमें क्या है, ए है, ये किसके इक्वल है, 10 टाइम्स द सम ऑफ ऑल सक्सेसिव टर्म, यानी ये जो बचा वाला टर्म्स है ये वाला, इसके सम के इक्वल है, ठीक है? तो इसका हम लोग सबसे पहले सम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है, ठीक है? तो इसमें देख रहे हैं हम लोग आर कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें आपका रिमेनिंग क्या रह जाएगा, ए ए आर प्लस ए आर स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर है। अब ये देखो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का आप एक फॉर्मूला पढ़े हो, क्या है वो बताओ, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ये किसके इक्वल रहता है, ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ठीक है? तो ये एक फॉर्मूला है, इसी का हम लोग यहाँ यूज करेंगे, ठीक है? तो आर इंटू ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर, तो सिंपली लिख देते हैं ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आर डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ठीक है? अब देखो जैसे बोला गया था फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 10 टाइम्स द सम ऑफ द सक्सेसिव टर्म, है ना? तो सक्सेसिव टर्म इसका सम अभी तुरंत फाइंड किए क्या है, ए आर डिवाइड बाई 1 माइनस आर। सिंपली इसमें आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो सिंपल कैलकुलेट करते हैं। अदर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ए आर विच इज इक्वल टू 10 ए आर, ठीक है? तो ये हो जाएगा 11 ए आर विच इज इक्वल टू ए, यहाँ देख रहे हैं ए कैंसिल हो गया, इट मीन्स आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इक्वल टू क्या आ गया, 1 बाई 11, ठीक है? तो यही आपका कॉमन रेशियो फाइंड आउट हो गया। तो ऑप्शन में देखो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? तो आपको क्लियर हो गया इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, बस आपको इसमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का क्या होता है, ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर, इसी का इसमें यूज हुआ है, ठीक है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखो क्या है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी, ये एक जीपी एक सीक्वेंस दिया गया है, फर्स्ट टर्म इज यूनिटी। क्वेश्चन ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी, ये जीपी एक सीक्वेंस है, ओके? और फर्स्ट टर्म इसका बोल दिया गया है यूनिटी। इसमें फर्स्ट टर्म बताओ क्या है, ए वन है, यानी ए वन की वैल्यू क्या दे दी गई है, 1, ठीक है? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सच दैट 4a2 प्लस 5a3 इज लीस्ट देन द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज। इसमें भी अगेन आपको क्या फाइंड करना है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, इट मीन्स कॉमन रेशियो फाइंड करना है, ठीक है? तो सबसे पहले ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये लिख लेते हैं, क्या है, ए वन ए टू ए थ्री अप टू कहाँ तक है, ए एन तक है। अब देखो सिंपली आपको क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, दैट द गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी,
तो जीपी में जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम लोग जो सीक्वेंस कंसिडर करते हैं तो वो लिख लेते हैं, वो क्या होता है, ए आर स्क्वायर अप टू AR to the power n। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है? अब देखो सिंपली आपको क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया, फर्स्ट टर्म इज यूनिटी, इट मीन्स A1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हम लोग A कंसिडर किए तो ये क्या हो जाएगा 1, इसमें भी सब में हम लोग A की जगह 1 पुट अप कर देंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर अप टू R to the power n। ओके, तो आपको ये सीक्वेंस मिल गया। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, 4A2 + 5A3 इज लीस्ट बोला गया, यानी इसकी वैल्यू सबसे मिनिमम होगी, लिस्ट होगी, ठीक है। तो ए टू मतलब आप समझ रहे हो ये क्या है, सेकंड टर्म। ए टू आप देखो सेकंड टर्म आप क्या कंसिडर किए हो, आर, तो इसमें ए टू के बदले हम लोग क्या लिख देंगे, R + 5A3। ए थ्री आपका क्या है, थर्ड टर्म, दैट इज R स्क्वायर। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है? अब देखो इसमें 5 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा R स्क्वायर + 4R/5। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखो सिंपली आपको क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, 4A2 + 5A3 इज लीस्ट, है ना। तो इसकी वैल्यू लीस्ट कब होगी, जब ये ब्रैकेट वाला पोर्शन है ना ये अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो आपको लीस्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। अब देखो जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है उसमें आर के टर्म्स में है ना, तो उसको अगर हम लोग इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको सिंपली आर की वैल्यू पता चल जाएगी, दैट इज कॉमन रेशियो, और वही आपको इस क्वेश्चन में जैसे कि फाइंड करना है ना। तो देखो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 5 इसको हम लोग A + B के होल स्क्वायर के टर्म में लिखते हैं, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं R स्क्वायर 4R/5, ओके, +4/25 और -4/25। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अब देखो ये क्या हो जाएगा, 5R + 2/5 का होल स्क्वायर, इसके ओपन करोगे तो यही आ जाएगा R A² + B² + 2AB और -4/25 ये है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है? अब देखो जैसे कि बोला गया था 4A2 + 5A3 विल बी लीस्ट, तो यहाँ पर सिंपली क्या लिख देंगे कि दिस विल बी लीस्ट व्हेन R + 2/5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें R की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, -2/5, ठीक है। और यही जैसे कि आपको फाइंड करना था R की वैल्यू, दैट इज कॉमन रेशियो -2/5, तो देखो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया A, आपको क्लियर हो गया इसमें क्या किए। सिंपली जैसे क्वेश्चन में जीपी सीक्वेंस दिया गया था, फर्स्ट टर्म दे दिया गया था यूनिटी, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सीक्वेंस कंसिडर कर लिए, और एक चीज क्या दिया था कि 4A2 + 5A3 इज लीस्ट, तो उसके सॉल्व करके हम लोग को कॉमन रेशियो फाइंड आउट हो गया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखो क्या है, इफ ABC are in AP, AP मतलब आपको क्लियर हो रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके, एंड XYZ are in GP, देन द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड दीज आर द ऑप्शंस ABC, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिंपली क्या दिया गया, सीक्वेंस है ABC are in AP बोला गया है ना, R in AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मतलब क्या कि जो भी दो टर्म का आप डिफरेंस निकालोगे हर बार क्या होगा, डिफरेंस सेम आएगा, इट मीन्स दैट B - A = C - B, ऐसा आप लिख सकते हो, समझ रहे हो, दो टर्म का डिफरेंस निकालोगा जो भी आएगा वो किसके इक्वल रहेगा, C - B के, ओके, बिकॉज डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट इन जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? सो यहाँ पर देखो आपको यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा, क्या 2B = A + C, यहाँ तक समझ में आ रहा, इसको आप इक्वेशन 1 कंसिडर कर लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, XYZ are in GP, XYZ are in GP, अबाउट जीपी में आप इसके बारे में क्या पढ़े हो, कोई भी सीक्वेंस को हम लोग जीपी कब बोलते हैं, तो कोई भी सीक्वेंस को हम लोग जीपी में कब बोलते हैं, जब कोई भी दो टर्म का रेशियो फाइंड करोगे तो हर बार रेशियो क्या होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, रेशियो सब में सेम आएगा, इट मीन्स दैट Y/X = क्या हो जाएगा, Z/Y, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो Y² = you can write X into Z, इससे आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल गया,
सो जैसे कि ए बी सी आर इन जी पी ए पी बोला गया था, तो इससे आपको इक्वेशन वन मिल गया, और एक्स वाई जेड आर इन जी पी बोला गया तो इससे आपको एक इक्वेशन टू मिल गया। ठीक है, अब देखो जैसे कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर। देखो x टू द पावर b माइनस सी, y टू द पावर c माइनस ऑफ a, एंड z टू द पावर क्या है a माइनस ऑफ b, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक मिनट, यहाँ c है, ओके b माइनस सी, ओके तो यहाँ देखो x टू द पावर b माइनस सी, y टू द पावर c माइनस a, एंड z टू द पावर क्या है a माइनस b, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो यहाँ पर देखो x टू द पावर b माइनस सी, b माइनस सी को आप क्या लिख सकते हो इस क्वेश्चन, ये वाले इक्वेशन में देखो, अगर c को इधर ले आओ b माइनस सी, तो विच इज इक्वल टू आ जाएगा a माइनस ऑफ b बाय दिस इक्वेशन। देखो c को इधर ले आए और a को इधर ले जाओ, तो b माइनस सी के बदले में आप क्या लिखोगे, a माइनस ऑफ b। ओके अब ये आपको क्लियर हो गया, b माइनस सी इक्वल टू हम लोग क्या लिखती है, ए माइनस बी बाई इक्वेशन वन। ओके अब नेक्स्ट देखो y टू द पावर क्या है, c माइनस ए, y टू द पावर c माइनस ए, अब c की वैल्यू आप इसमें से लिख सकते हो बाई इक्वेशन वन क्या, टू बी माइनस ऑफ a। तो यहाँ पर लिख देते हैं टू बी माइनस ऑफ a, और फिर से माइनस ऑफ a है तो यहाँ माइनस ऑफ a दे देते हैं, और z टू द पावर a माइनस बी, इसका एज इट इज रहने दो। ठीक है अब यहाँ पर देखो x टू द पावर a माइनस बी स्क्वायर से ही रहने दो, अब y टू द पावर इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2 और b माइनस ऑफ a। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है, माइनस ऑफ a थी ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2a। ठीक है और यहाँ हो गया z टू द पावर a माइनस ऑफ b। ठीक है तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, x के पावर में भी a माइनस बी है, z के पावर में भी a माइनस बी है, तो वी कैन राइट एक्स जेड के पावर में a माइनस बी। ठीक है अब देखो यहाँ y, यहाँ तक क्लियर हो गया, x z टू द पावर a माइनस बी लिख दिया, अब मल्टीप्लाई में क्या है y टू द पावर 2 b माइनस सी, अब y स्क्वायर की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ पर आप सिंपली साइड में लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है तो आपको समझ में आ जाएगा इक्वेशन 1 का हम लोग यूज किए हैं, या b माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी कैसे लिखे हैं, बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन 1। उसी तरह यहाँ पर c की वैल्यू 2b माइनस ऑफ a कैसे लिखे हैं, बाय इक्वेशन 1। ठीक है सो देखो यहाँ y टू द पावर 2 मल्टीप्लाई में b माइनस से है, तो y स्क्वायर के बदले में आप क्या पुट अप कर सकते हो, x z फ्रॉम इक्वेशन 2, जैसे आप यहाँ पर इक्वेशन 2 फाइंड आउट किए हो, तो ये हो जाएगा x z टू द पावर b माइनस ऑफ a। ठीक है अब यहाँ पर देखो बेस डिजिट आपका सेम है, x z यहाँ भी है यहाँ भी, तो जो भी उसके पावर में रहता है वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो देख लेते हैं ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस ऑफ ए। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो गया, ओके तो यानी एक्स जेड टू द पावर क्या आ गया, जीरो। और जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है एनी नंबर टू द पावर ऑफ जीरो रहे तो वो क्या रहता है, वन होता है। ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि सिंपली आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था, गिवन सीक्वेंस था ए बी सी आर इन ए पी बोला गया था, तो उससे आपको एक इक्वेशन मिल गया, एक्स वाई जेड बोला गया था इट इज इन जी पी, तो उससे आपको एक इक्वेशन मिल गया। और जैसे कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करना था ना, तो उसी में हम लोग क्या किए, कुछ वैल्यू इक्वेशन वन से ले लिए, कुछ वैल्यूज इक्वेशन टू से ले ली, और आपका आंसर आ गया, ओके डेट इज ऑप्शन नंबर बी वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व करते हैं। ठीक है तो ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, रीड करते हैं। तो देखो क्या है, द फर्स्ट थ्री ऑफ द फोर गिवन नंबर आर इन जी पी। ठीक है एक बार और देखो, द फर्स्ट थ्री ऑफ द फोर गिवन नंबर आर इन जी पी, यानी फोर गिवन नंबर है आपका, एक सीक्वेंस लिया गया है जिसमें पहला तीन जो नंबर है वो क्या है, इन जी पी में है। इट मीन्स उसमें अगर आप रेशियो फाइंड करोगे तो रेशियो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है एंड देयर लास्ट थ्री आर इन ए पी विद कॉमन डिफरेंस सिक्स दिया गया है, और फर्स्ट एंड द फोर्थ नंबर आर इक्वल बोल दिया गया। तो यहाँ पर देखो ये वाला टर्म याद रखो कि फर्स्ट और आपका जो फोर्थ नंबर है वो इक्वल होना चाहिए, आपको फर्स्ट नंबर फाइंड करना है उस सीक्वेंस का, एंड दीज आर दी ऑप्शंस ए बी सी डी। ठीक है तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था, चार गिवन नंबर आपको लेना होगा, उसमें पहला जो तीन है वो क्या है, जीपी में है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले फोर नंबर कंसिडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, तो फोर नंबर, सो फोर नंबर
पी क्यू आर। अब देखो और एक चीज, लास्ट लाइन क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट एंड द फोर्थ नंबर आर इक्वल, यानी फर्स्ट जो आप कंसिडर किए हो लेट की हो पी, तो फोर्थ भी वही रहेगा, ठीक है। तो पी क्यू आर पी, ये चार नंबर हम लोग ने ले लिया। अब देखो नेक्स्ट आपको क्या बोला गया था, फर्स्ट थ्री आर इन जी पी, पहला तीन जो नंबर है ये क्या है, जी पी में है। क्या लिख देते हैं, फर्स्ट थ्री नंबर आर इन जी पी, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग प्रीवियस वाला क्वेश्चन में भी हम लोग देखे थे, जैसे कि यहाँ पर क्या गिवन था, एक्स वाई जेड जी पी में था ना, तो कभी भी कोई भी तीन नंबर अगर जी पी में आए तो उसको आप कैसे लिखोगे, जो मिडिल वाला जो नंबर रहेगा, जैसे इसमें क्या था एक्स वाई जेड में वाई था ना, तो उसमें क्या लिख दिए थे, इक्वेशन टू को देखो आप, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, मिडिल वाले पोर्शन में स्क्वायर लिख देंगे जो इक्वल टू एक्स जेड, ठीक है। तो ये कैसे आई इक्वेशन टू, आपको तो यहाँ क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर था पी क्यू आर बोल दिया गया था दैट दीज थ्री नंबर आर इन जी पी, तो सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी इन टू आर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ना, ये कैसे आया, जैसे प्रीवियस वाला क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, क्यू बाई पी लिखोगे विच इज इक्वल टू आर बाई क्यू करोगे, तो ये आ जाएगा आपका इक्वेशन, ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन वन कंसिडर कर लो, है ना। अब देखो नेक्स्ट आपको क्या बोला गया था, लास्ट थ्री नंबर आर इन ए पी, यानी लास्ट थ्री, ये वाला जो तीन नंबर है ये क्या है, ए पी में है, ठीक है। तो उसमें भी देख लेते हैं, लास्ट थ्री नंबर आर इन ए पी, ठीक है। अगर ये लास्ट थ्री नंबर ए पी में है तो इसको हम लोग फर्स्ट टर्म कंसिडर कर ले सकते हैं। तो देखो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू क्यू। अब देखो क्या दिया गया है, लास्ट थ्री नंबर आर इन ए पी, और आपको कॉमन डिफरेंस भी दे दिया गया है, एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू सिक्स, ठीक है। तो जैसे कि ए पी में कभी भी कोई टर्म, कोई सीक्वेंस आता है, तो पहला टर्म क्या लेते हैं, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, इस तरह से ना। तो यहाँ पर देखो, इसमें हम लोग अगर क्यू को पहला टर्म कंसिडर किए तो सेकेंड टर्म आपका क्या आ जाएगा बताओ, सेकेंड टर्म वैसे तो यहाँ पर आपका आर है, पर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस भी जैसे कि गिवन है, तो फर्स्ट टर्म प्लस सिक्स ऐसे लिखते थे ना, एथमेटिक प्रोग्रेशन आप याद करो, सीक्वेंस कैसे लिखते थे, पहला टर्म आपका ए हो गया, दूसरा टर्म क्या रहता था ए प्लस डी, वही चीज यहाँ लिखे हैं, फर्स्ट टर्म आपका क्यू हो गया, क्यू प्लस सिक्स, समझ में आ रहा है। अब थर्ड टर्म देखो, थर्ड टर्म आपका क्या दिया है, पी है, और उसको कैसे लिख सकते हो, अगर हम लोग बोल दिया गया है दीज थ्री नंबर्स आर इन ए पी, तो उसमें क्या लिख सकते हैं, जो भी सेकेंड टर्म रहेगा उसमें प्लस सिक्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्यू प्लस ट्वेल्व, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है कैसे लिख रहे हैं, एक बार और फिर से आप देख लो, चार नंबर लेना था आपको, चार नंबर हम लोग कंसिडर क्या किए, पी क्यू आर पी, लास्ट वाला पी क्यू लिए हैं, बिकॉज एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, फोर्थ एंड द फर्स्ट नंबर आर इक्वल, तो फर्स्ट और फोर्थ पी ले लिए, ठीक है। अब फिर से देखो, फर्स्ट थ्री नंबर आर इन जी पी, पहला तीन क्या है, पी क्यू आर, ये जी पी में है, तो कभी भी कोई तीन नंबर जी पी में रहेगा, तो मिडिल वाला जो नंबर रहेगा उसको क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी इन टू आर, इसको आप इक्वेशन वन ले लिए। अब नेक्स्ट देखो क्या है, लास्ट थ्री नंबर आर इन ए पी, लास्ट थ्री नंबर आप देखो क्यू आर पी, ओके। अब कॉमन डिफरेंस आपका सिक्स दे दिया गया, तो लास्ट थ्री नंबर अगर आप ये लिए हो, तो फर्स्ट टर्म अगर आप क्यू कंसिडर करते हो, तो सेकेंड टर्म क्या है, आर है, विच इज इक्वल टू आप लिख सकते हो क्यू प्लस सिक्स, ये समझ में आ रहा है कैसे लिखे, जैसे सीक्वेंस याद कर दो एर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, पहला अगर ए रहता था फर्स्ट टर्म, दूसरा क्या रहता था ए प्लस डी, फिर ए प्लस टू डी, डी आपका समझ में आ रहा है कॉमन डिफरेंस है, तो वैसे ही हम लोग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म ये तीनों लिख लिए, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपको देखो मेन मुद्दा है कि आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट टर्म आपको निकालना है, यानी पी की वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है ना, पी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं पी इक्वल टू क्यू प्लस ट्वेल्व आया है, ठीक है। तो अगर आपको क्यू पता लग जाए तो पी आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो देखो अब क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन, यहाँ पर देखो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू आर है ना,
यहाँ से देखो पी की वैल्यू भी मिल गई, आर की वैल्यू भी मिल गई, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फ्रॉम इक्वेशन वन क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू आर, ठीक है। और यहाँ पर देखो पी की वैल्यू आपको क्या थी, यहाँ पर देखो क्यू प्लस ट्वेल्व है ना, तो ये लिख देंगे क्यू प्लस ट्वेल्व, ओके। और आर की वैल्यू देखो क्यू प्लस सिक्स, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्यू प्लस सिक्स, ठीक है। उसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस सिक्स क्यू और प्लस ट्वेल्व क्यू, ये हो जाएगा एटीन क्यू और प्लस ट्वेल्व इंटू सिक्स 72, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एल एच एस में भी क्यू स्क्वायर था, तो ये सिंपल कैंसिल आउट हो गया, इधर आप ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8q इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 72, ओके। तो इससे आपको q की वैल्यू माइनस ऑफ 4, ठीक है। तो आपको जैसे कि इसमें क्या बोला गया था, फर्स्ट टर्म आपको निकालना था यानी p निकालना था, तो p इक्वल टू यहाँ से आप देखो क्या है q प्लस ट्वेल्व है ना, यहाँ पर लिख देते हैं p इक्वल टू क्या है q प्लस ट्वेल्व, q की वैल्यू आ गई है माइनस ऑफ 4 प्लस 12 विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो p इक्वल टू क्या आ गया 8, दैट इज फर्स्ट टर्म। तो ऑप्शन में देखो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ये थोड़ा आपको समझने में थोड़ा टाइम लगा होगा, अगर एक बार समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लेना, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन में क्या करना था, फर्स्ट टर्म जैसे कि आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ओके। अब देखो यहाँ क्या है, इफ ए बी सी आर इन जी पी बोला गया है, तो आपका तीन नंबर क्या है ए बी सी आर इन जी पी। तो ऑलरेडी जैसे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर कोई तीन नंबर जी पी में हो तो उसको क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो ये आपको क्लियर हो रहा है ये किस कैसे आया, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है दो टर्म का रेशियो फाइंड करोगे तो ये इक्वल होता है, तो ये क्या हो जाएगा बी बाई ए विच इज इक्वल टू सी बाई बी करोगे, तो ये हो जाएगा ना बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो ये हो गया, ठीक है। तो देखो ये बार बार आपको इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली कभी भी तीन नंबर जीपी में आ गया तो सिंपली आपको मिडिल वाला जो टर्म रहेगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी डायरेक्ट आपको लिख देना है, ठीक है। तो याद रखना होगा ये चीज, है ना। तो यहाँ पर देखो अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, एंड ए टू द पावर वन बाई एक्स इक्वल टू बी टू द पावर वन बाई एक्स एंड इक्वल टू सी टू द पावर वन बाई जेड, ये तीनों इक्वल है। देन एक्स वाई जेड आर इन आइदर इट इज इन ए पी जी पी एच पी, एच पी हो गया आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड एथमेटिक प्रोग्रेशन और नन ऑफ दिस, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर देखो आपको यहाँ से ये इक्वेशन मिला है ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड, तो ये क्या हो जाएगा देखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग लगा लेते हैं, तो ये देखो ये हो जाएगा लॉग बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू लॉग ए इंटू सी। अब यहाँ पर देखो जैसे कभी भी लॉगरिथम लगे रहे और उसको स्क्वायर में इसका उसके पावर में कोई भी नंबर रहे तो वो पहले आ जाता है, ये क्या हो जाएगा टू लॉग बी विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो कभी भी लॉगरिथम आगे लगा रहे लॉग लगा रहे और मल्टीप्लाई में कोई रहे जैसे ए इंटू सी है तो वो क्या हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग सी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, सो इसको इक्वेशन वन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो जो ये गिवन था ना इसको देख लेते हैं, इससे आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा ए टू द पावर क्या है वन बाय एक्स विच इज इक्वल टू बी टू द पावर क्या है वन बाय वाई एंड सी टू द पावर क्या दिया है वन बाई जेड। इसमें भी क्या करते हैं हम लोग टेकिंग लॉग वी गेट, इसमें भी लॉग लगा लेते हैं वी गेट, अब देखो इसमें भी हम लोग लॉग लगा दे तो ये हो जाएगा लॉग ए टू द पावर वन बाय एक्स विच इज इक्वल टू लॉग बी टू द पावर वन बाई वाई और इधर पे हो जाएगा लॉग सी टू द पावर वन बाई जेड। इसके बाद देखो क्या करना है, जैसे लॉग है ना और उसके ए की पावर में कुछ नंबर है क्या दिया है वन बाय एक्स, तो कभी भी याद रखो कि लॉगरिथम कभी भी लगा रहे और उसके पावर में कुछ भी रहे तो वो क्या रहता है वो पहले आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा वन बाय एक्स लॉग ए, ओके विच इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा लॉग वाई लॉग बी बाई वाई आप लिख सकते हो, वन बाई आई वाई पहले आ गया ना विच इज इक्वल टू लॉग सी बाई जेड। तो ये आपको समझ में आ रहा है कैसे लिखें, सिंपली जो भी पावर में था उसको पहले कर दिए वन बाई एक्स तो वो डिवाइड में आ गया, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो मिडिल में क्या है, लॉग बी बाई वाई, तो लॉग बी के जगह में आप ये वैल्यू पुट अप कर सकते हो ना बाई इक्वेशन वन। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, इधर पे मैं लिख देती हूँ, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा लॉग ए डिवाइड बाई एक्स और विच इज इक्वल टू, ये देखो सिंपली ये फर्स्ट वाला को एज इट इज लिख दिए हैं। आप देखो यहाँ क्या है, लॉग बी बाई वाई है ना, लॉग बी की जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, लॉग ए प्लस लॉग सी डिवाइड बाई टू। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं लॉग ए प्लस लॉग सी और डिवाइड बाई टू, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर देखो वाई भी हो जाएगा, डिवाइड में वाई था ना, ये हो जाएगा टू वाई और विच इज इक्वल टू, और एक टर्म था क्या लॉग सी बाई जेड, तो ये भी लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग सी बाई जेड। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है। अब नेक्स्ट देखो क्या कर सकते हैं, अब देखो ये दोनों टर्म को हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं, ये देखो ये हो जाएगा लॉग ए डिवाइड बाई एक्स विच इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग सी डिवाइड बाई टू वाई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली करते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग ए, अब देखो यहाँ टू वाई, जब यहाँ आप लॉग ए इंटू टू वाई करोगे, इधर भी लॉग ए है तो टू लॉग ए को आप कॉमन ले लो, तो ये सिंपली आप लिख सकते हो क्या टू वाई माइनस ऑफ एक्स, और इधर पे रह जाएगा आपका एक्स इंटू लॉग सी। ठीक है, तो सिंपली इसको डिवाइड करते हैं, लॉग ए बाई लॉग सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर देखो एक्स बाई टू वाई माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, तो इससे आपको एक इक्वेशन ले लो, सपोज इक्वेशन टू ले लो। ठीक है, अब देखो पहला दो टर्म को आप लिए हो ना, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, अब ये फर्स्ट वाला और थर्ड वाला को ले लेते हैं, तो देखो आप इससे क्या इक्वेशन आएगा, यहाँ पर लिख देते हैं टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या है, लॉग ए बाई एक्स विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा लॉग सी बाई जेड। ठीक है, तो यहाँ पर भी लॉग ए बाई सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स बाई जेड। ओके, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसको आप इक्वेशन थ्री कंसिडर कर लो, तो देखो यहाँ भी इक्वेशन टू में भी देखो और इक्वेशन थ्री में भी देखो एल एच एस वाला पोर्शन सेम है ना, तो आर एच एस वाला भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं एक्स बाई टू वाई माइनस ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स बाई जेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा जेड इज इक्वल्स टू टू वाई माइनस ऑफ एक्स, और इसको लिख सकते हो टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। ठीक है, अब देखो ये आ गया टू वाई प्लस इक्वल टू एक्स प्लस जेड, इससे आपको क्या पता चल रहा है दैट एक्स वाई जेड आर इन ई पी, आपको यही बोला गया था एक्स वाई जेड क्या है, आइदर इट इज इन जी पी एच पी और ए पी, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं इट इज इन ए पी। कैसे आपको क्लियर हो रहा है, अगर देखो इसको सॉल्व करोगे ना वाई माइनस एक्स, यहाँ पर देखो वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस वाई, तो उसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा क्या टू वाई विच इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। ठीक है, और कभी भी ऐसा लिखा रहे इट मीन्स दैट द गिवन थ्री नंबर आर इन ए पी। ठीक है, तो ये आ गया जैसे ओके, अगर ये जी पी में रहता तो ये इस तरह से आता वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू जेड आता। ठीक है, और जैसे कि ये आ गया है तो दैट सिंपली आपको क्लियर हो गया दैट इट इज इन ए पी। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा किस तरह से सॉल्व किए हैं। देखो सिंपली इस क्वेश्चन में क्या था, ए बी सी बोल दिया गया था जीपी में है, तो ऑलवेज रिमेम्बर जीपी में कभी भी रहे कोई भी तीन नंबर, तो उसको इसी तरह से लिखना है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, टेकिंग लॉग ले लिए हैं ऑन बोथ दी साइड, तो इससे आपको एक इक्वेशन मिल गया, और एक चीज दिया हुआ था डैट दे आर इक्वल ए टू दी पावर वन बाई एक्स बी टू दी पावर वन बाई वाई, उसमें भी लॉग ले लिए हैं। ठीक है, तो बाय सॉल्विंग वी गेट टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। ओके, सो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव।